सबसे पहले तो डॉक्टर्स डे पे मैं सभी डॉक्टर्स को जो हम लोग सब फ्रंट में कोरोना वॉरियर्स रहे हैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर्स डे बेसिकली एक बहुत फेमस हस्ती हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, उनके लिए मनाया जाता है। ये जो डॉक्टर थे ये खाली डॉक्टर ही नहीं, उसके सिवाय एक आंदोलनकारी भी रहे, स्वतंत्र सेनानी रहे हैं और बहुत बड़े समाज सेवी रहे हैं। ये गांधी जी के आग्रह पर इन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करा था और बाद में ये बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। इनके बारे में कहा था, इन्होंने जो भी अपनी संपत्ति कमाई है, जो भी इनके पास संपत्ति थी, इन्होंने सारा का सारा सब कुछ दान कर दिया, कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। जी डॉक्टर साहब, अगर डॉक्टर्स डे को पूरी तरह से मनाया जाए तो इस बार जब कोरोना चल रहा है तो डॉक्टर्स की भूमिका किस तरह की रही है? डॉक्टर्स की बहुत बड़ी भूमिका रही है कोरोना के टाइम पर। डॉक्टर्स फ्रंट लाइन वैरियर रहे हैं, इसमें फ्रंट लाइन वैरियर रहे हैं। इसके जी अंदर ये रहा कि बेसिकली डॉक्टर्स ने कुछ भी नहीं देखा, ना अपनी अपने परिवार को देखा। सबसे पहले पेशेंट उनको नज़र आया और पेशेंट रोगी ने पूरी देखभाल करी है और पूरा सहयोग दिया है। तो डॉक्टर्स का किस तरह का रोल होता है, क्योंकि कोरोना में गरीब भी बीमार हुआ, अमीर भी बीमार हुआ, तो ऐसे में आर्थिक तौर पर किसी तरह का कोई भेदभाव किया गया डॉक्टर्स की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई इसके कोई आर्थिक तौर पर कोई भेदभाव नहीं हुआ है। इलाज सबको सेम मिला है, ऐसा नहीं कि अमीर का इलाज हुआ है, गरीब का इलाज नहीं हुआ, सबको पूरी तरह से पूरा इलाज मिला। कोई मैसेज देना चाहेंगे लोगों के लिए आप? मैसेज ये है कि आज हम 1 जुलाई को जो हम कोरोना मना रहे हैं वो क्यों मना रहे हैं, तो ये है कि 1 जुलाई के दिन जो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे उनकी जन्म तिथि भी है, पुण्यतिथि भी है। दूसरा ये मैसेज है कि डॉक्टर्स के लिए भी ये मैसेज है कि हम लोग पूरी तरह से कोरोना के लिए आगे के लिए तैयार हैं। जो अभी सुनने वाला कि तीसरी वेव आना बाकी है, उसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और जो है अपनी जी जान से पूरा पेशेंटों के हित में काम करेंगे। दूसरा एक समाज के लिए भी ये है कि समाज को भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जी जैसे आजकल बहुत ज़्यादा डॉक्टरों के ऊपर अन्याय होने लगे हैं, अन्याय का मतलब कि पब्लिक जो है डॉक्टरों को झूठा इल्ज़ाम लगाने लगी है और दूसरा मारपीट करने लगी है, तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए। धन्यवाद।